नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। दरअसल आज जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से बंद का एक ऐलान भी किया गया, अपील भी की गई, लोगों की तरफ से उसका अलग अलग तरीके से रिस्पांस भी देखने को मिला, अलग अलग तस्वीरें सामने भी आई जहां पर बंद का असर भी देखने को मिला, कुछ जगहों पर बेअसर भी ये बंद दिखा। लेकिन सवाल ये है कि इस बंद से निशाना किस पर साधा गया इंडियन नेशनल लोकदल के तरफ से। अब सवाल इसमें यह उठता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से इस बंद का ऐलान और इस एक दिन के बंद को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें आई सामने, उसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का निशाना कहां था, सरकार को किस तरीके की चुनौती दी गई। सरकार का यह कहना है कि इस बंद का कोई असर नहीं है और सिर्फ इस मसले पर राजनीति की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में चुनावों की नजदीकी ने यहां के सियासी माहौल को सुर्ख कर दिया है। विपक्षी दल पूरे फॉर्म में नजर आने लगे हैं। सूबे के मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने हरियाणा बंद की जो कॉल दी थी, शनिवार को उसका मिला जुला असर देखने को मिला। इनेलो और बसपा के कार्यकर्ता प्रदेश भर में हरियाणा बंद को असरदायक बनाने की कोशिश करते देखे गए। अलग अलग जिलों में जगह जगह पर इनेलो बसपा कार्यकर्ताओं की टोलियां बाजारों में नारेबाजी करती और दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील करते देखी गई। हरियाणा बंद का असर प्रदेश में पूरी तरह सफल हुआ, ऐसा कहना शायद बेईमानी होगा, क्योंकि अधिकतर जगहों पर इनेलो कार्यकर्ताओं के निकलने के बाद बाजारों में अधिकतर दुकानें खुलती देखी गई। हालांकि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बंद को अपनी ओर से सफल बताते हुए व्यापारियों का आभार भी जता दिया। सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर महंगाई को बढ़ावा दिया, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, बहुत हालात खराब है। आज प्रदेश के लोगों ने ये बात साबित कर दी, खासतौर पर व्यापारी भाइयों ने, कि वो इस सरकार से कितना तंग है। इस सरकार को चाहिए कि वो प्रयास करके एसओएल का पानी ले आए और डीजल और पेट्रोल के रेट कम करे। इस बंद के मार्फत मुख्य विपक्षी दल इनेलो सूबे की बदहाल हाल की तस्वीर उजागर कर लोगों को आंदोलित करने की कोशिशों में जुटी दिखाई दी। हरियाणा बंद की जो कॉल शुरू शुरू में एसवाईएल के मुद्दे तक सीमित थी, उसमें धीरे धीरे महंगाई, जीएसटी, किसान, मजदूर, दादूपुर नलवी नहर जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए। इनेलो के इस बंद के आह्वान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने इसे मुद्दा विहीन विपक्ष की झल्लाहट का नतीजा बताया। होते हैं तो इस प्रकार की हरकतें करने के लिए कुछ विपक्षी पार्टियां जो काम करती हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, और जनता अब समझ चुकी है कि आज कोई भी विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए बंद का आह्वान जब करते हैं, आज जैसा देखा कि इन लोगों के बंद में सर्वत्र फेल है, कहीं कोई उनको मिला नहीं है। अगर 10-5 लोग उनके दुकानें बंद भी करवाते हैं तो पीछे पीछे दुकानें खुल जाती हैं। आज मैंने सारी रिपोर्ट ले ली है, एक आध स्थान को छोड़कर बाकी सब जगह ये बंद प्राय फेल। हरियाणा की सत्ता से लगभग 1.5 दशक से महरूम रही इनेलो इन दिनों पूरी जोर आजमाइश कर रही है। कोशिशों को कांग्रेस जरा अलग ढंग से ट्रीट कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा बंद को इनेलो की नौटंकी बताया है। एसवाईएल के मुद्दे पर इनेलो को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इस पर इनेलो बोलने की हकदार नहीं। लोकदल सदैव सतलुज यमुना लिंक निर्माण का विरोधी रहा है, मन वचन और कर्म से। जो ढोंग और स्वांग हरियाणा बंद के माध्यम से वो कर रहे हैं, उसे प्रदेश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। हरियाणा बंद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भले ही इसे इनेलो का पॉलिटिकल स्टंट बता रही हो, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस मार्फत इनेलो 2019 में होने वाले चुनावों के लिए हवा तैयार कर रही है। वो बात और है कि उसमें वो सफल किस हद तक हो पाती है, क्योंकि राजनीति का पूरा खेल ही अनिश्चितताओं से घिरा होता है। और वो कहते हैं ना कि जो पब्लिक है वो सब जानती है। बीते कुछ दशकों में जनता जागरूक हुई है,
और इतना तय है कि 2019 में बैलेट पर बटन उसी के नाम का दबेगा जो वाकई मुद्दों पर जनता का विश्वास जीत कर चुनाव में उतरेगा। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। सवाल यही है कि इनेलो का हरियाणा बंद और इस हरियाणा बंद की जो छाप है वो कितने देखने को मिली है, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी इसी तरह के बंद का ऐलान और अपील भी कर रही है। तो सवाल यही है कि इस बंद बंद के चक्कर में आम जनता का क्या होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोनू ढिल्लो साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, स्वागत है आपका, और हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़े हुए हैं नेशनल लोकदल की तरफ से, आपका भी स्वागत है सर। अत्रे साहब, सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि इस बंद को मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुना आपने, बेअसर बता रहे हैं पूरी तरीके से इस बंद को, कह रहे हैं कि कुछ काम है नहीं, तो सिर्फ इस मसले को उठाकर और इस तरीके से बंद करके राजनीति कर रहे हैं आप लोग। इससे ज्यादा की उम्मीद थी भी नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री जी बंद को देखकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरह से व्यापारियों ने प्रदेश के इस बंद को समर्थन देके पूर्णतः कामयाब किया वो एक नजीर है। मैं सुबह से मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था सभी चैनल्स पे, विशेष तौर पे आपके चैनल पे, और आपने दिखाया कि बंद को मिला व्यापारियों का समर्थन, बंद का पूर्णतः रहा असर, ये आपकी मीडिया रिपोर्ट्स थी, और पूरा प्रदेश बंद रहा क्योंकि जिन मुद्दों पे बंद की कॉल की गई थी, जिसमें SYL है, किसानों की फसल का उचित दाम है, कानून व्यवस्था है, नशे का बढ़ता कारोबार है, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम है, बढ़ती हुई महंगाई और ई ट्रेडिंग, और जिस तरह से नोटबंदी और GST, ये सब मुद्दे थे, और पूरा प्रदेश जो है इन मुद्दों के हक में आया और बंद किया, वो एक नजीर है मुझे लगता है सरकार के सामने। और मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी में अगर नैतिकता हो, जब पूरा प्रदेश एकजुट हो जाए सरकार की गलत नीतियों के साथ के प्रति, तो मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के हिसाब से खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे मेरा ऐसा मानना है, जिस तरह से आज जनता ने एकजुटता दिखाई है इन मुद्दों के लिए। मोनू साहब, अब आप लोग भी 10 तारीख को उम्मीद है जिस तरीके से कॉल कर रहे हैं बंद, आप लोगों का भी कमोबेश इसी तरह के क्या मुद्दा है, पेट्रोल की जो कीमत, डीजल की कीमत में जो हाइक देखने को मिला है, ऐसा तो नहीं हुआ कि इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले कर लिया तो हाईजेक कर लिया इस इशू को और अब वही चीज जब दोबारा से रिपीट होगी, क्योंकि आप अगर बचपन में देख लीजिए, रामायण का रीटेलीकास्ट भी हुआ लेकिन जो पहली रामायण है वही दिमाग में है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल, साकेत जी आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी पहले भी भारत बंद और इस तरह के, देखिए हमारा जो तरीका है वो लोकतांत्रिक तरीके और संवैधानिक तरीके से भारत बंद कर, हमारा भारत, इन्होंने हमारा लोकतांत्रिक तरीके से ही किया, इन्होंने कौन सा अलोकतांत्रिक तरीका अपना लिया? नहीं देखिए आप, हम पूरे देश में कर रहे हैं पेट्रोल डीजल और सारे, देखिए महंगाई का जो मुद्दा है, हम उन सब सारी चीजों को लेके, हम सारी चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। जो अब देखिए एक बात इसमें समझनी होगी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार, बीजेपी सरकार की जो विफलताएं हैं पूरे देश में और प्रदेश के अंदर, देखिए ये अपने किसी भी वादे पर खरे नहीं उतरते, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें और झूठी बातों को करके लोगों को, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो नर्सेज हों, कंप्यूटर टीचर्स हों, हरियाणा के अंदर, देश के अंदर पेट्रोल डीजल की हाइक हो रही है। आप देखिए सबसे ज़्यादा, आप खुद भी देखिए, आप खुद अपनी गाड़ी में जब डीजल या पेट्रोल डलाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो डीजल है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा हो गया, पेट्रोल का तो पता ही नहीं वो कहाँ चला गया है। तो देखो जो, और उसके ऊपर आप इनके प्रवक्ताओं से और इनसे बातें पूछेंगे तो इनके प्रवक्ता कहते हैं टैक्सेस के बारे में बोलेंगे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट, अब हरियाणा को आप पेट्रोल और डीजल का ले लो तो करीब करीब 17-18 रुपये हरियाणा गवर्नमेंट है, चलो सेंट्रल एक्साइज हमें वो अगर रियायत नहीं दे रही तो हरियाणा गवर्नमेंट हमें रियायत दे 4-5 रुपये। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तो खामू कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी तो कोई नीति नहीं, कोई महंगाई के ऊपर उनका बयान नहीं किसी तरह, प्रदेश के अंदर आप देखिए किसी भी चीज़ को लेकर किसी चीज़ पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, बैठे रहते हैं बस बातें करते हैं कि जी ये बेअसर वो बेअसर, वो तो टाइम बता देगा ना 2019 के अंदर जनता बताएगी कितना असर इनका रहा कितना नहीं रहा, इनको 4 सीटें भी मिल जाए ना जो 4 होती थी पहले इनकी, वो 4 भी खत्म हो जाएंगी इन लोगों की, थोड़े दिनों बाद चैनलों पर इनके प्रवक्ता आने बंद हो जाएंगे। हाँ, आज भी जैसे कि फोनों पे ही जुड़े हैं प्रवक्ता हमारे साथ, वीर कुमार यादव साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है वीर कुमार यादव जी आपका। जी धन्यवाद। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस बंद का कोई असर नहीं हुआ, हमारे कैमरे ने जो तस्वीरें कैद की हैं उसमें पूरे हरियाणा में असर ही असर देखने को मिल रहा है साहब।
देखिए आप जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास तो नेचुरल फीडबैक जाता है, जो खुफिया तंत्र की रिपोर्ट जाती है, तो कोई दो मत नहीं है। और मैं भी फील्ड में सहयोग का हिसार हूँ, हाथी हो क्या है, बाकी तो यहाँ भी मतलब तो ठीक है कि आप जिस तरह को क्लेम कर रहे हैं वो मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल उस तरह का बंधन नहीं हुआ। और लोगों को जो समर्थन मिलना चाहिए था इन लोगों को, वो समर्थन नहीं मिला, इसमें कोई दो मत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जितना असर होना चाहिए था उतना असर नहीं हुआ, लेकिन असर तो हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं कोई दुकानों में बंद हो गई, तो मतलब सही एक आध जगह इक्का दुक्का जगह कोई हो गया, लेकिन एज ए होल आप देखें तो ये पूरी तरह फ्लॉप था, पूरी तरह फेल था। लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बंद नहीं किया। और हरियाणा में जिस प्रकार की इनकी चर्चा बता रहा था ना, जो चर्चा नहीं किया। वीर कुमार यादव साहब, दुकानें बंद रहीं, व्यापारियों का साथ मिला, सड़कों पर भी ज़्यादा गाड़ियां नज़र नहीं आईं। अगर इसको फ्लॉप होना आप कहते हैं तो हिट होता तो क्या होता, कर्फ्यू लग जाता? देखिए ये मैं आपने जब कैमरे भेजे हैं ना, मैं निकल नहीं करा, लेकिन मैं खुद भी जो हमारे पास फीडबैक आया है और खुद जिस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया, वो आपके लोग तो आपको वैसा ही फीडबैक देंगे ना सर। बीजेपी का कार्यकर्ता अगर आपको फीडबैक देगा तो वो तो यही बताएगा जी बंद का असर नहीं है। आज आपने दिन भर टीवी चैनल तो देखा होगा, जनता टीवी देखा तो होगा सर आपने, या बाकी के चैनल्स तो देखे होंगे आपने, क्या मीडिया रिपोर्ट तो आपको सच सच पता चल रही होगी ना? देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मीडिया रिपोर्ट में कब कहां से ढूंढी है, विजुअल में उसके ऊपर कमेंट नहीं करता, लेकिन हमारे पास जो ऑथेंटिक रिपोर्ट आई है, हमारे पास जो फीडबैक आया है, फिर कैसे दावा कर रहे हैं आप लोग कि बंद बिल्कुल असरदार रहा है? साकेत, यही तो विडंबना है। ये बात सभी जानते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता, पहली चीज। दूसरी चीज, आज मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही तो है कि मुख्यमंत्री जी को यही पता नहीं होता कि प्रदेश में हो क्या रहा है, इनको यही नहीं पता कि इनको गलत फीडबैक मिलता कहां से है। हैरानी इस बात की है कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बंद कामयाब रहा। हैरानी इस बात की है कि आज प्रदेश का व्यापारी बंद के समर्थन में एकजुट होकर उतरा, लेकिन वीर कुमार यादव जी और मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट्स नहीं है। यही सबसे बड़ी दुखद है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। और मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री जी अपने कर्तव्य पालन के अंदर हमेशा चूक जाते हैं, क्योंकि जब आपके पास फीडबैक सही नहीं होगा, आपके पास रिपोर्ट सही नहीं होंगे, तो आप अपने कर्तव्य को अंजाम कैसे दोगे? एक और बात है साकेत, बार बार एक बात कह देते हैं, जैसे अभी वीर कुमार यादव जी ने भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। मुझे हैरानी होती है कि प्रदेश का किसान पानी के लिए तरस रहा है, 3.5 लाख हेक्टेयर धरती बंजर पड़ी हुई है पानी के इंतजार में, लगभग 80% इलाका प्रदेश का डार्क या क्रिटिकल जोन में आ चुका है, पीने के पानी की समस्या प्रदेश की जनता के सामने खड़ी हो चुकी है, इनको लगता है कि मुद्दा ही नहीं है। खुद सरकार मानती है कि 7 जिले प्रदेश के नशे के चपेट में बुरी तरह से आ चुके हैं। एनसीआरबी के आंकड़े, हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। और जिस तरह से नोटबंदी से आम आदमी की कमर, व्यापारी की कमर टूटी है, ये आपने भी देखा। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़े, आम आदमी का जीवन यापन मुश्किल हुआ, इनको लगता है कि ये भी मुद्दा नहीं है। हैरानी इस बात की है कि एक तरफ तो प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, अराजकता का माहौल बना हुआ है, और वीर कुमार यादव जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल, मुद्दा क्या होगा मुझे ये समझा दो पहले, भारतीय जनता पार्टी के वीर कुमार यादव जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, आपने लोगों के इश्यूज उठाए और उस पर आपने जो बंद का एक कॉल किया उसका असर भी देखने को मिला है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के इस बंद से जो नुकसान हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? साकेत, आप भी ये जानते हैं कि अपने अधिकारों को पाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जिस तरह की समस्याएं इस सरकार की वजह से, मुख्यमंत्री जी की कमजोरी की वजह से प्रदेश की जनता के सामने खड़ी हो गई है,
वो समस्याएं इतनी बड़ी हैं। फिर आप 10 तारीख को जो कांग्रेस बंद का तो मुझे बंद कॉल कर रही है, कांग्रेस 10 तारीख को आप उसका साथ देंगे ना प्रवीण अत्रे जी? आपकी पार्टी साथ देगी ना उसका, क्योंकि वो भी तो जनता के मुद्दे उठाएंगी। वही कहने लगा था, देखिए साकेत, विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों के लिए लड़ना, विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना। अगर विपक्ष जनता के मुद्दे उठाता है, मुझे लगता है कि उससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं खुद ये कहना चाहता था, जिस तरह से आज रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया, मुझे तो शक होने लगा था कि रणदीप जी कांग्रेस के विधायक है या भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, क्योंकि बंद तो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ था। सुरजेवाला जी को तकलीफ क्यों हुई? वो तो खुद विपक्ष में बैठे हैं, उनको तो बल्कि कहना चाहिए था कि हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल एक सच्चे विपक्षी दल की लड़ाई लड़ रहा है, जनता के हितों के लिए लड़ रहा है। लेकिन जिस तरह का बयान दिया, उससे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा शक होने लगा कि सुरजेवाला जी और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं। हैरानी इस बात की है, बजाय जनता के हितों की बात करने के, सुरजेवाला तो मुख्यमंत्री जी का पक्ष लेने लगे। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। और सवाल ये था ढिल्लो साहब कि जिस तरीके से सुरजेवाला जी के स्टेटमेंट को कोट किया यहाँ पर अत्रे साहब ने, और ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आप सत्ता पक्ष की बी टीम हो, और इस बंद के तारीफ करने के बजाय आप तो देखिए, थोड़ा सा ना चीज़ों को समझना होगा हमें साकेत जी। देखिए, बंद जो बंद का असर है, थोड़ा सा अगर तरीकों को देखा जाए, मुझे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के बयान के बारे में मुझे पूरा पता नहीं है, इसलिए मैं अत्रे साहब की बात पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। पर बंद की बात की जाए तो थोड़ा संवैधानिक तरीके से अगर बंद हो तो वो उसका थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लोगों में उसका मैसेज जो जाना होता। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियाँ ना अपना अपना काम कर रही हैं, इनेलो अपना काम कर रही है, सारी विपक्षी पार्टी अपना काम कर रही है, बट जो जितना संवैधानिक तरीके से जो लोगों के दिलों में हमें लोगों से बात करना है कि भैया आप इस बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और इनके जिस तरह से देखिए, 10 तारीख को आप भी बंद बुला रहे हैं ना? सर बिल्कुल बंद बुला जन, जन, जन रैली तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल लोगों से बात करने तो गली नुक्कड़ पर आपने वो नहीं करना सर। नहीं नहीं सर, देखिए आप ये बंद ही कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कॉल कर रहे हैं सर। अघोषित, ये देखिए सर, अघोषित आपातकाल है। आप देखिए, अभी आप थोड़े दिन पहले ये इतने हैवी वर्ड्स मत यूज कीजिए आपने बंद को लेकर के, या ना ये आपातकाल जैसे शब्द वो 75-77 के दौरान नहीं, अच्छे नहीं, लगा नहीं सर, 75-77 की बात ही नहीं है सर। आप देखिए ना, आप हिंदुस्तान के लिए ना ये अच्छे शब्द नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे शब्द है सर इनके लिए। आप बताइए ना कैसे नहीं, आप मुझे बताइए। आप एक बात बताइए कि सर्व कर्मचारी, देखिए सारे कर्मचारी हड़ताल करते हैं, टीचर्स हड़ताल करते हैं। आप एक बात बताइए, ये कहते हैं फीडबैक की बात, वो कौन सा सरकारी महकमा इनका है, कौन सा तंत्र है, कौन सी आईबीए, कौन सी सीआईडी है जो इन्हें रिपोर्ट देती है? मुख्यमंत्री जी, अगर इस तरह की अच्छी रिपोर्टें आ रही तो उन्हें सार्वजनिक करें ना रिपोर्टों को। तो रिपोर्ट किस तो क्यों सार्वजनिक कर दे आपको? हाँ जी, आपको इस बंद के साथ होना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए अगर कोई भी जनता के हित में काम कर रहा है, हम उसके साथ हैं। तो इनेलो के साथ हैं आप? नहीं, इनेलो के साथ देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं जनता के हित में, अगर वो कोई भी कोई काम कर रहे हैं उसके साथ में। पार्टी देखिए, इनेलो कह रही है कि मैं जनता के हित में काम कर रही हूं। अगर इनेलो जनता के हित में काम कर रही है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हाँ, तो आज आप उसके साथ हैं इनेलो के? नहीं, आप ऐसे साथ हैं कि 10 तारीख को वो आपके साथ होंगे? अपनी पार्टी है बिल्कुल, अगर अगर हमारा साथ देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। सुरजेवाला के कोर्ट किया, सुरजेवाला का स्टेटमेंट उन्होंने प्रवीण अत्रे जी ने, सर मैंने बताया, मुझे उनके बयान के बारे में नहीं आधिकारिक कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता उन्होंने क्या बोला है तो मैं जरूर अत्रे साहब की बात का। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। भगवत दयाल शर्मा साहब, अब आज ये बंद हो गया 10 तारीख को, फिर कांग्रेस बंद कर रही है, तो बंद बंद में कैसे काम चलेगा आप लोगों का? अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। अच्छा, इस बंद से अराजकता का माहौल पैदा होता है? बंद करने का मतलब क्या? जनता को परेशान करना। बंद करने का मतलब जनता परेशान होगी, लोगों के व्यापारी प्रतिष्ठान बंद होंगे, उनको पहले ही बताएं। लेकिन वो तो साथ दे रहे हैं व्यापारी, तो साथ दे रहे हैं इस बंद का। कहीं से तो ऐसी खबर नहीं आई कि इनेलो के कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों की झड़प हो गई और आम लोगों ने इसका विरोध किया और वहां पर लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई, या आम लोगों और इनेलो के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई, इस तरह की खबरें नहीं आई सर? आम जनता के इनेलो का नेशनल लोकतल है, कभी रेलों के हैं, कभी जेल भरते हैं, कभी ऐसी कोई भी बात करते हैं जिससे आम जनता परेशान होती है, तभी सत्ता में सभी जनता को परेशान करते थे। सर भगवत दयाल शर्मा साहब, आप पेट्रोल और डीजल के दाम कहां से कहां पहुंचा दिए आप लोगों ने, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई साहब,
रोजगार आप दे नहीं पा रहे, एस्मा लगा के आपने 42 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, तो सर ना तो आप कच्चे कर्मचारी को पक्का कर पाए, ना आप नौकरियां दे पाए, ना आप रोजगार ले के आ पाए, ना आप विदेशों का इतना भ्रमण किया, ना आप वहां से इंडस्ट्रीज लेकर के आ पाए, सर कुछ तो आप ऐसा कुछ कर नहीं पाए। हरियाणा 3 बार अलग गया, तो सर अब ऐसे में आपने अराजकता का माहौल नहीं पैदा कर दिया प्रदेश में, तो फिर आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं सर। भगवत दयाल जी, अच्छा प्रदेश का किसान खुश है आपसे, प्रदेश का किसान खुश है आपसे क्या सर? भगवत दयाल शर्मा साहब, प्रदेश का किसान खुश है आपसे? अच्छा, ये भी ऑथेंटिक आपको जानकारी मिली होगी, किसानों ने फैक्स किया होगा आपको, मेल किया होगा किसानों ने कि वी आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, काट दिया फोन इन्होंने। चलिए अत्रे साहब, फोन कट गया है, हालांकि आपका रिएक्शन चाहिए। अत्रे साहब, भगवत दयाल जी का फोन कट गया। देखिए साकेत, मैं तो एक बात कहूंगा, जिस तरह से आपने सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, सबसे बड़ा उदाहरण तो आज जिस तरह से बंद को समर्थन मिला, व्यापारियों ने खुल के समर्थन दिया, इससे पता लगता है कि व्यापारी सरकार की नीतियों से कितना नाराज है। दूसरी बात, जब आपने चर्चा की किसानों की, किसान लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको भी याद होगा जिस वक्त सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमने एमएसपी के भाव बढ़ा दिए हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूर्णतया लागू कर दिया है, उसी दिन जब धनखड़ साहब यहाँ ढोल पे नाच रहे थे, दिल्ली में लाखों किसान प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि वो मांग कर रहे थे अपनी फसल के उचित दाम का। आपको याद होगा साकेत, आज से 5 दिन पहले 23 राज्यों से लाखों किसान और मजदूर दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। वो बात अलग है कि बहुत से चैनल्स ने उसको कवरेज कवर नहीं किया, लेकिन जो यथार्थ है वो कभी बदलता नहीं है, और सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि लगातार नशाखोरी प्रदेश में बढ़ती जा रही है। जिस चिट्टे के नशे के बारे में साकेत आपने और हमने आज तक सुना नहीं था, हरियाणा प्रदेश में वो नशा बिक रहा है और खुलेआम बिक रहा है। आपको याद होगा खुइया मलकाना गांव, जहां के सरपंच के पति जब पकड़े गए नशे के साथ, तो ये मीडिया में रिपोर्टिंग हुई थी कि मुख्यमंत्री के नजदीकी है और पुलिस ने जांच में कोताही बरती। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नशा जो है सरकारी संरक्षण में बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो बार बार ये बात कही जाती रही कि SYL के मामले में सरकार संजीदा है, आप देखिए नवंबर 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हरियाणा के हक में निर्णय दे दिया, उसके बाद से लगात आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, और झूठ अलग से बोला जाता है, कभी मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि किसी भी तरह का कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है, नहर के निर्माण में कोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोई एतराज या कोई पेंडेंसी नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा हुआ है कि नहर का निर्माण तुरंत किया जाए और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी निश्चित की हुई है, उसके बावजूद सरकार अगर सो रही है उस, और मुख्यमंत्री जी आपको याद होगा सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री जी से समय लेंगे और जाके मिलेंगे, आज तक प्रधानमंत्री जी से समय नहीं ले पाए, हैरानी इस बात की होती है। पंजाब के मुख्यमंत्री को वक्त मिल जाता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को वक्त नहीं मिलता है। ठीक है अत्रे साहब, मैं लौटता हूँ, जरा भगवत दयाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, भगवत दयाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मुझे लगा कि किसी तीसरे प्रवक्ता का अब नंबर आ गया, क्योंकि दूसरे प्रवक्ता हैं भगवत दयाल जी इस चर्चा में, इससे पहले वीर कुमार यादव साहब थे। भगवत दयाल जी, सवाल यही था आपसे कि आप कहते हैं कि किसान खुश हैं, कुछ वजह बताइए ना सर, क्यों आपको लगता है कि किसान खुश होंगे आपसे? देखिए इनेलो के राज में कंडेला कांड हुआ था सर, आप कब तक ढिंढोरा पीटते रहेंगे किसके काल में क्या हुआ था साहब, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ आपने अपने काल में ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से किसान आपसे खुश हो जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा जवाब दीजिए। हमने किसानों के जो फसल का जो रेट है वो बढ़ाया है,
और हमने किसानों का पीछे जब शुरू में जमा किस फसल का रेट कितना बढ़ाया है कुछ बताएंगे साहब? उस समय किस फसल का रेट कितना बढ़ाया, थोड़ा सा ज्ञान दीजिए ना। वो बिल्कुल नहीं, भगवत दयाल शर्मा साहब थोड़ा सा ज्ञान देंगे क्या, थोड़ा ज्ञान दीजिए ना, किस फसल का रेट कितना बढ़ाया, मैं नोट करना चाहता हूँ। देखिए अभी धान का रेट बढ़ाया है और हर बार हम गेहूं का रेट बढ़ाते हैं। धान का रेट कितना बढ़ाया साहब? साहब धान का रेट कितना बढ़ाया है? धान का सरकारी रेट अभी 200 रुपए बढ़ाया है, जो जो उसकी खरीफ वाली जो MSP जो बढ़ाई गई केंद्र की तरफ से, उसी का जिक्र कर रहे हैं ना साहब? रेट बढ़ाया है, मक्की है उसका रेट बढ़ाया है, कपास का रेट बढ़ाया है, सर खरीफ खरीफ की फसल बोल दीजिए ना, एक सिंपल सा वर्ड है कि खरीफ की फसलों की कीमत MSP जो है वो 200 रुपए बढ़ाई, यही कहना चाह रहे हैं ना? 200 रुपए तो केवल धान की बढ़ाई है, बाजरा का रेट हमने बढ़ाया है, मक्की का बढ़ाया है, उसमें कई कई फसलों में तो लगभग 2 रुपए कर दिए गए हैं। टोटल रेट क्या है सर? कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे कितना बढ़ाया ये बता दीजिए ना, टोटल रेट बताइए ना सर, जो पहले था और अब बताओ ना, बढ़ाना क्या होता, 1000 रुपए कर दिया और आपने उसके बाद आप बताया कि भैया मैंने तो 1000 2000 का 1000 करके 200 रुपए बढ़ा के 1200 रुपए थोड़ी होता है। देखिए आप अभी पीछे हमने पूरे सब जगह लिस्ट भेजी थी कि लगभग बाजरे में तो लगभग डबल वृद्धि हुई है, बाजरे में, मक्की में, ज्वार में, कई दालों का रेट जो है ना। और दूसरी बात ये रही कि किसानों को उचित समय पर उनके पैसा मिला, कोई पेंडेंसी नहीं किसी प्रकार की, किसानों को कोई बेवजह परेशान नहीं किया जा रहा। तो कहीं भी देख लिया, पहले कांग्रेस की सरकार थी, इनेलो की सरकार थी, लाठियां और गोलियां चलती थी, किसान बिल्कुल खुश है और सबको हमने जो खाद के नाम पर कालाबाजारी होती थी उसको रोका है, आधार के लिंक करके तो सबको ठीक है। भगवत दयाल शर्मा साहब एक सेकंड में रोक रहा हूं आपको। मोनू साहब आप लोग भी 10 तारीख को आ रहे हैं बंद को लेकर के, तो एक मुद्दा तो खत्म हो गया ना। भगवत दयाल शर्मा कह रहे हैं किसान बिल्कुल खुश है और हर मतलब डबल कर दिया है, तो फिर सर डबल आप देखिए सर, इनके हमारे देश के प्रधानमंत्री तो 1.5 गुना की ही बात करते थे, इन्होंने कह रहे डबल कर दिया एकदम। सर अब एक बात बताइए, इसका क्या इलाज है? कोई इंसान चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से झूठ बोलते हैं, इनकी तो पॉलिसी है झूठ बोलो, जोर से बोलो और लोगों को समझाओ। यहाँ चैनल पे किसानों के रेट डबल करने की बात करते हैं, लोगों में जाके धर्म की, जात की, पात की ये बातें करते हैं आप, ये जाके किसानों से वो जब 2019 में वोट मांगने जाएंगे ना जवाब नहीं देंगे क्या? वो इस तरह के झूठ बोल रहे हैं चैनल पर बैठ के, चैनल के माध्यम से, इनको तरीके इनको पता ही नहीं है रेट का। 200 रुपए बढ़ा दिया, आप टोटल रेट पूछिए, टोटल रेट नहीं बता पाएंगे, ये रेट कम करके उसमें जैसे पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 1750 करके और उसमें 350 रुपए बढ़ा दिए, तो इस तरीके से थोड़ी होता है सर। आप कोई कुछ कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी पब्लिक के अंदर पब्लिश कीजिए ना, आधी बातें बताते हैं आधी बातें नहीं बताते, इनके आंकड़े खराब है, इनकी मंशा खराब है। जी साकेत, देखिए साकेत एक बात कहूंगा, आपको याद होगा 2012 में धनखड़ साहब थे, सुभाष बराला जी थे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग और नंगे बदन प्रदर्शन कर रहे थे और जो मांग थी उस वक्त उनकी वो ये थी कि धान की फसल का रेट 2100 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए और 700 रुपया बोनस मिलना चाहिए किसान को, ये मांग कर रहे थे 2012 में। और आज खुद 1750 रुपए धान का रेट करके वही धनखड़ साहब ढोल की थाप पे नाच रहे हैं, देखिए किसान से कितना बड़ा धोखा है। खुद हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को लागत की जो सिफारिश भेजती है धान की वो 2657 रुपए लागत बताती है हरियाणा सरकार खुद, और जब रेट तय होता है 1750 रुपए तो धनखड़ साहब कहते हैं कि मेरा मोर की तरह नाचने को मन कर रहा है। इससे पता लगता है कि इनकी सोच कितनी नकारात्मक है किसान के प्रति। और मैं तो एक बात और कहूंगा, जो अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि किसान के फसल की कीमत उचित समय पर दी जाती है, इनको शायद मालूम ही नहीं है, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नियम बनाया था कि किसान को उसकी फसल की कीमत 1 महीने के अंदर अंदर मिलना जरूरी है, इनको शायद जानकारी नहीं है इन चीजों की। लेकिन यहां देखिए दो बातें हैं, जब बात किसान की होती है तो आप ये बताना भूल जाते हो कि आपका वायदा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, और स्वामीनाथन जी ने स्पष्ट कहा है कि C2 पे 50% किसान को मिलना चाहिए, और खुद सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि हमने तो A2 पे 50% दिया है, जब सरकार खुद मान रही है कि हमने स्वामीनाथन जी की C2 की सिफारिश को नहीं माना, फिर किस बात पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ये लोग। अब बात करता हूं डीजल और पेट्रोल की,
देखिए केरला की सरकार ने अपनी जनता को राहत देने के लिए खुद स्टेट टैक्स के अंदर कटौती की, स्टेट वैट को कम किया। हरियाणा की सरकार क्यों नहीं ऐसा करती? कौन रोक रहा है इनको ये करने के लिए? जब से सरकार आई है 7 बार वैट में बढ़ोतरी की है प्रदेश सरकार ने, और 9 बार एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है केंद्र सरकार ने। और आज हालात ये हो गया कि पेट्रोल जो है 80 रुपए से ऊपर बिक रहा है और डीजल 70 रुपए से ऊपर बिक रहा है। आम आदमी की किचन का खर्चा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। अत्रे साहब, आपके सवालों का जरा मैं भगवत दयाल शर्मा जी के पास लिए चलते। भगवत दयाल शर्मा साहब, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की तरह अत्रे साहब ने आपके सामने फैक्चुअल चीजें रखी हैं, उसका कैसे आप फैक्चुअल तरीके से जवाब देंगे साहब? आपने मेरा पहले क्वेश्चन किया था किसानों के लिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने मुआवजा दिया है कांग्रेस से इनेलो से भी ज्यादा। आज तक किसी भी सरकार ने जब से हरियाणा आजाद हुआ इतना कितना मुआवजा दिया बताइए। और दूसरी बात किसानों के लिए, शर्मा जी कितना मुआवजा दिया बताइए ना। किसान की मुआवजा तो सभी सरकारों ने दिया है, तो वो उसका बीमा किसानों का कर्जा भी माफ कराया क्या उसी टाइम में? किसानों का कर्जा माफ करने तो अराजकता को गिराने, जो किसान सही टाइम पे, अरे बताओ ना, किसानों का कर्जा भी माफ कराया क्या आपने? ये पॉलिसियां खाम खाई लोगों को भड़काना ये आपकी है। हम कहते हैं कि लोगों नहीं भड़काना लड़ाना, ये कर्जा लिया तो शर्मा जी भड़काना लड़ाना ये पॉलिसी आपकी है। आप पे आंकड़े नहीं है, बता नहीं पा रहे कर्जा माफ किया है, टैक्स माफ किया है, आपने क्या 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 किया है बता तो दो। मैंने आपको अच्छे से सुना, अब आप क्यों नहीं सुना चाहते मुझे? चलो सुनाइए सर, एक मिनट भी बोलना आपके बीच। चलिए बताइए सर, चलिए बताइए बताइए आप बताइए, पर बात तो ऐसी बताइए जो समझ में आए। समझ में आ रही है ना, जनता को समझाना चाहेंगे हम, आपको थोड़ी समझाने के लिए बैठे हैं, हमने जनता को समझाना है। थोड़ा हमें भी समझा दिए बड़े भाई, आप हमारे दोनों को नकार दिया है पूरी तरह से, दोनों हमारे को हर जहाँ भी इलेक्शन होता है जनता हमारे को स्वीकार करती है, सुनती है बार बार, क्योंकि हम अराजकता नहीं फैलाते, आप लोग अराजकता फैलाते हो किसानों के नाम पर कभी। सबको पता है सर, सबको पता है कौन क्या फैलाता है, पर तो कांग्रेस कोई बंद करने कौन सा। ठीक है भगवत दयाल शर्मा साहब, आइए मुद्दे पे आइए, बोलिए। मुद्दे पे आ रहा हूँ, हमने किसानों को मुआवजा दिया है, पहले 5-5, 10-10, 20-20 रुपए मिलते थे, हमने हजारों में लाखों में मुआवजा दिया है। हमने किसानों की कहीं भी यदि कोई अधिग्रहण किया कोई बात आई उनको प्रॉपर उसका मूल्य दिया। कहीं भी भूमि अधिग्रहण बिल हम लाए भैया शर्मा जी, भूमि अधिग्रहण बिल की लड़ाई हमने लड़ी, हम लाए हमारी सरकार बनाई थी कांग्रेस के टाइम में, क्या था वो पैसा कमाने का धंधा था, आज तक उसमें पानी आया नहीं, इनकी कोई व्यवस्था थी नहीं कोई। तो आप ला दीजिए पानी, आपको पूरी साउथ हरियाणा की बेल्ट आपको बोट दे देगी सर। हम तो कह रहे हैं पानी लाओ, बोट लो, हरियाणा के जीता है ये, इनको सुनने की भी नहीं है। मैं बिल्कुल ध्यान से सुनता रहा, दोनों माननीय रखता हूँ, लेकिन वो सर माननीय शर्मा जी, मैं आप ऐसे आप गलत बात बोलोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा ना। हमने क्या पैसा लूटा नहर बना के, हमने क्या पैसा लूटा बताइए ना। किसानों को लूटा, SPZ के नाम पर लूटा, कभी नहीं। आपने कितने कितने क्या दिया, कितना आप कह रहे हमने लाखों रुपए के चेक बांटे, खराबा दिया, आप बताओ ना कितने लाख का चेक दिया। आप कह रहे हो कि हमने जमीनें जो एक्वायर करी, अरे भूमि अधिग्रहण बिल हम लाए संसद के अंदर, मोदी जी ने उसको सारे बिल की ऐसी तैसी करी, दोबारा लड़ाई लड़ी, सड़कों पर आए जब वो बिल पास कराया, वो बात बताओ ना, झूठ क्यों बोल रहे चैनल पे कि हम आपको आप झूठ बोलो और हम सुनते रहे, फिर किस बात की डिबेट हो गई? 71 साल हो गए, 71 साल में ज्यादातर कांग्रेस पार्टी का राज। अरे भैया 71 साल में 7 लाख किलोमीटर रोड बनाई, 6,43,000 स्कूल बनाए, आप 71 साल देख तो लो, आप 4.5 साल में 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए जो 1 साल में वादा किया था। हरियाणा में कितनी नौकरियां दी आप बताओ ना। हमने जितनी दी है वो मेरिट के बेस पे दी है। अरे कितनी दी है मेरिट के बेस पे, अपने रिश्तेदार को लगा दिया, एमएलए के बेस पे, मेरिट बनाई है एमपी के बेस पे, हमने जितनी नौकरियां दी मेरिट के बेस पे दी। अरे सर मेरिट के बेस पे नौकरियां दी जाती है, तरीका सबका ऑथेंटिक है, बताओ तो सही नौकरियां कितनी दी। भाई बंदी जवाब जातिवाद नहीं फैलाया आप कितने 10 साल में, आप लोगों ने अंधामान से रेवड़ी अपने अपने को दे कितना वो किया, सारा हरियाणा जानता है इस बात को। अरे हरियाणा के माननीय मेरे बड़े भाई शर्मा जी आप बताओ तो सही, आप जवाब नहीं देते, जातिवाद आप फैलाते, ओबीसी के आंकड़े आप अखबार में आप मांग रहे हो कि देश में कितने ओबीसी हैं, आप बताओ ना ओबीसी के आंकड़े किस लिए चाहिए आपको, किस लिए जात पात और धर्म पे आप आके घूम जाते हो,
आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते चीजों को? 70 साल में अंग्रेजों की फूट डालो, राजकरों की नीति अपनाई। अरे भैया, अंग्रेजों का पिट्ठू कौन था सबको पता है, अंग्रेजों की मुखबरी किसने की है? अच्छा भगवत भगवत दयाल शर्मा साहब, किसने की है सबको पता? भगवत दयाल जी ये बताइए, आज का बंद तो हम लोगों ने देखा असरदार रहा, 10 तारीख को कांग्रेस भी बंद कर रही है। इस बंद का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक साइकोलॉजिकली असर पड़ रहा है आम लोगों पर, मतदाताओं पर, उससे कैसे निपटेंगे आप? राकेश जी, जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी सुरक्षा को महत्व देते हैं, उनको पता है आप दुकान खोलोगे तो INB वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ा करके दुकान नहीं खोलते। नहीं तो आप मतलब आपकी कानून व्यवस्था लचर है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कानून व्यवस्था लचर है, इसका मतलब कि कोई अगर चाहे तो बंद कॉल कर देगा क्या साहब? अगर उनपे सहयोग नहीं होगा मतलब जबरदस्ती कर देंगे क्या इनेलो वाले? ये राजनीतिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात रखें, ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि आप जाओ और शरीफ आदमियों की दुकानें जाके कहीं ऐसी तस्वीर नहीं, सॉरी टू से भगवत दयाल शर्मा साहब, कहीं हमें ऐसी तस्वीर नहीं नजर आई कि इनेलो ने गुंडागर्दी की हो। माफ कीजिएगा साहब, आपने सुना कभी अमेरिका बंद, कभी जापान बंद, कभी चाइना बंद? नहीं सुना कहीं ऐसा सुना है आपने कि अमेरिका में हर 15 मिनट में बलात्कार हो रहे हो? सुना है क्या आपने? आप कंपेयर करने लग जाते हैं साहब। दोस्ती कौन है? इसके लिए दोस्ती है, इन्होंने इतने साल देश पे राज किया। अच्छा, हमने बलात्कार को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं भगवत दयाल शर्मा साहब कि आपने कभी बंद कॉल ही नहीं किया अपोजिशन में जब आप थे, तो आपने तो कभी बंद ही नहीं कॉल किया। इस तरह बिना वजह कोई बंद नहीं बुलाया, तो इनका भी ये बिना वजह है क्या? मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, इसको आप मुद्दा। परसों डीजल डलाया था गाड़ी में 71 रुपए, आज 72 रुपए, बिना वजह है क्या बंद? चलिए चर्चा को खत्म करना है, एक एक कमेंट ले लेते हैं। प्रवीण अत्रे साहब से शुरुआत करता हूँ, एक एक कमेंट करिए। देखिए साकेत, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तर्क नहीं कुतर्क कर रहे थे जी। लेकिन मैं थोड़ा सा इनका असली चेहरा दिखाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी स्टेज से ये बात बोलते हैं कि हमने 28,000 नौकरियां दी, जबकि RTI में जानकारी मिलती है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 13,771 और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 209, मतलब टोटल 14,000 नौकरियां पक्की नौकरियों। और मुख्यमंत्री जी स्टेज से बोलते हैं कि हमने 28,000 दी, जबकि विधानसभा में भी उन्होंने ये बोला था कि 14,000 दी। अगर आप 4 साल में मात्र 14,000 नौकरियां देते हैं तो आप समझ सकते हैं वायदा आपका 2 लाख सालाना का था। दूसरी बात, जब किसान के कर्ज की बात आई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि ये तो इससे तो अराजकता फैलती है। अराजकता, देखिए मुझे हैरानी होती है, जब उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ते हैं तो आप किसान से वायदा करते हैं कि आपका कर्जा माफ करेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश में आते ही किसान का कर्जा माफी वो अराजकता बन जाती है। ये सोच है इन लोगों की। और जो सबसे बड़ी बात, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे साहब आपका, मनु ढिल्लो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और भाजपा की तरफ से दो प्रवक्ता जी, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल और जवाब हर चीज आपके सामने है, आप ही को तय करना है। पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।